form, that is urea. And then the urea will be concentrated, converted to urine and will be excreted out through the body. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सेल में बहुत से रोज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वगैरह हो रहे होते हैं और इन सब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बहुत से बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं और इन्हीं में से एक जो बाय प्रोडक्ट है हमारे पास वो अमोनिया भी है और अमोनिया जो है ये एक टॉक्सिक फॉर्म है और इसको हमारा सेल जो है वो स्टोर नहीं कर सकता. अगर ये सेल में स्टोर होगा तो सेल को वो डैमेज करेगा, तो इसलिए इसको एक्सक्रीट आउट करना जरूरी है. तो फिर जिस प्रोसेस से हम इसको एक्सक्रीट आउट करते हैं उसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं. So we can define the urea cycle as a sequence of metabolic reactions occurring in the liver by which ammonia is converted to urea. It is known as the urea cycle. सबसे पहले जो यूरिया साइकिल को डिस्कवर किया था वो हैंस क्रैब्स ने 1932 में किया था और इसकी जो लेटर स्टडीज थी वो रेटनर ने और कोहन ने की थी. और हम यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं और ये फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल है जिसको डिस्कवर किया गया था. और जो यूरिया साइकिल है उसकी वो लिवर सेल्स में हो रहा होता है और लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ स्टेप्स हो रहे होते हैं और कुछ जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से आउटसाइड यानी कि साइटोसोल में हो रहे होते हैं. और जो यूरिया हमारे पास लिवर में प्रोड्यूस होती है वो फिर उसको ब्लड स्ट्रीम में वो रिलीज होती है, उसके बाद किडनी में और फिर उसकी कंसनट्रेशन कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती है और फिर वो आगे एक्सक्रीटेड फॉर द यूरिन हो जाती है. तो अब जो मैंने जैसे कि बताया कि कुछ स्टेप जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं और कुछ जो होते हैं वो साइटोसोल में हो रहे होते हैं. दो स्टेप्स हमारे पास यूरिया साइकिल के ऐसे हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं और जो बाकी फर्दर स्टेप्स हैं वो साइटोसोल में हो रहे होते हैं. और जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन मेनली आ रही होती है वो प्रोटीन्स वगैरह की डीअमाइनेशन से, अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन वगैरह से आ रही होती है. अब आगे हम यूरिया साइकिल को स्टार्ट करते हैं. जो सबसे पहला इसका फर्स्ट स्टेप है वो कार्बामाइल फॉस्फेट की फॉर्मेशन है. कार्बामाइल फॉस्फेट की जो फॉर्मेशन है वो अमोनिया से और कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर अमोनियम आयन से और बाइकार्बोनेट आयन से मिलके ये कार्बामाइल फॉस्फेट बनता है. और इस रिएक्शन को जो हमारे पास एंजाइम जो रेगुलेट करता है या उसको कैटालाइज करता है वो हमारे पास कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम होता है. और इस रिएक्शन में जो हमारे पास नाइट्रोजन डोनर है वो अमोनिया होती है. और ये जो स्टेप है ये हमारे पास एटीपी डिपेंडेंट है. इसमें एटीपी जो है एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और यही जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये आगे कार्बामाइल फॉस्फेट की सिंथेसिस में हेल्पफुल होती है. तो इसके बाद जो है आगे सेकंड स्टेप है कार्बामाइल. सेकंड स्टेप में जो है कार्बामाइल फॉस्फेट का कार्बामाइल ग्रुप और ऑर्निथिन जो है वो मिलके सिट्रोलिन हमारे पास बनाते हैं. ऑर्निथिन जो है वो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और जो सिट्रोलिन है वो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में आता है. और ये जो ऑर्निथिन का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना और सिट्रोलिन का माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आना ये एक हमारे पास ट्रांसपोर्टर होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जिसको हम ऑर्निथिन सिट्रोलिन ट्रांसलुकेज कहते हैं. इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये ऑर्निथिन और सिट्रोलिन की जो होती है वो मूवमेंट हो रही होती है. और इस स्टेप को जो हमारे पास एंजाइम कैटालाइज करता है वो ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफीरेज एंजाइम है. इसके बाद अब सिट्रोलिन की फॉर्मेशन हो गई. अब आगे जो हमारे पास थर्ड रिएक्शन होगा उसमें आर्जिनिनो सक्सिनेट की फॉर्मेशन होनी है. उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, सिट्रोलिन और जो एस्पर्टेट हैं ये दोनों मिलके आर्जिनिनो सक्सिनेट बनाते हैं. और इस ये भी एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन है. एटीपी एएमपी में और पाइरोफॉस्फेट में और पीपीआई में कन्वर्ट हो रहा होता है. अब आगे जो पाइरोफॉस्फेट हमारे पास बना है ये हाइड्रोलाइसिस के थ्रू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. और ये जब पाइरोफेस फॉस्फेट की हाइड्रोलाइसिस हो रही होती है ये एक इनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होता है जो कि इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्पफुल होता है. और उसके बाद जो है इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम इसको कैटालाइज करता है. अब फर्दर जो है आर्जिनिनो सक्सिनेट की ब्रेकडाउन होनी है. इसकी ब्रेकडाउन जो है वो एंजाइम आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइएज एंजाइम आर्जिनिनो सक्सिनेट को आर्जिनिन में और फ्यूमारेट में कन्वर्ट करता है. और ये जो फ्यूमारेट है ये हमारे पास एस्पर्टेट की फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होता है. और जब ये फ्यूमारेट से एस्पर्टेट बनती है सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें बहुत से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. जैसा कि मैं आपको बताती हूँ सबसे पहला जो स्टेप है उसमें फ्यूमारेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट होता है. ये कन्वर्ट कैसे होता है, फ्यूमारेट की हाइड्रोलाइसिस होती है और हाइड्रोलाइसिस के जरिए जो है फ्यूमारेट मैलेट में कन्वर्ट होता है. और इस रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको हम फ्यूमारेज एंजाइम कहते हैं.
उसके बाद जो है मैलेट ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होता है, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है जिसमें NAD पॉजिटिव एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काम कर रहा होता है और ONAD पॉजिटिव NADH में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट बन गया, ऑक्सैलोएसीटेट में अब नाइट्रोजन लेना है, वो उसके पास खुद के पास नाइट्रोजन नहीं है, तो इस दौरान जो है ग्लूटामेट वो हमारे पास नाइट्रोजन डोनर के तौर पे काम कर रहा होता है, और ऑक्सैलोएसीटेट ग्लूटामेट से नाइट्रोजन को लेगा और वो ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो हमारे पास एस्पर्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ग्लूटामेट खुद है वो नाइट्रोजन को डोनेट करके ग्लूटामेट खुद जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है वो ट्रांस अमाइनेज एंजाइम होता है। इस तरह जो है एस्पर्टेट की फॉर्मेशन होती है फ्यूमारेट से। अब आगे जैसे मैंने बताया कि आर्जिनिन और सक्सिनेट जो है फ्यूमारेट और आर्जिनिन में कन्वर्ट हुआ, फ्यूमारेट तो आगे एस्पर्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, अब आर्जिनिन की भी फर्दर हाइड्रोलाइसिस होती है, आर्जिनिन जो है वो यूरिया में और आगे ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस स्टेप में जो एंजाइम यूज होता है वो आर्जिनेज एंजाइम होता है, और इसमें जो फिर वो यूरिया में और फिर ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो गया, यूरिया की फिर आगे हमारे पास वो ब्लड स्ट्रीम में चला गया, वो कंसेंट्रेटेड हुआ और फिर वो यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट बॉडी हो गया, ऑर्निथिन जो है वो फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में फिर चला जाएगा ताकि उसके जो है यूरिया साइकिल दोबारा स्टार्ट हो सके। दैट्स फॉर मी, और आगे अब जनीता कंटिन्यू करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, आई शुड स्टार्ट रेगुलेशन। रेगुलेशन यूरिया साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो मोस्ट रेगुलेटेड और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसके अंदर क्या हो रहा होता है, इसके अंदर NH4 पॉजिटिव आयन और बाइकार्बोनेट आयन या फिर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की कंडेंसेशन से कार्बामोइल फॉस्फेट बन रहा होता है, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको हम कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम कहते हैं या CPS1 कहते हैं। एक एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत से पॉजिटिव मॉड्यूलेटर्स भी होते हैं और नेगेटिव मॉड्यूलेटर्स भी होते हैं। अगर नेगेटिव मॉड्यूलेशन होगी तो CPS1 की प्रोडक्शन बहुत कम होगी, उसकी एक्टिविटी भी कम होगी और कार्बामोइल फॉस्फेट कम से कम बनेगा और यूरिया साइकिल आगे नहीं चल पाएगा। और अगर पॉजिटिव मॉड्यूलेशन होगी तो CPS1 की एक्टिविटी ज्यादा होगी, कार्बामोइल फॉस्फेट भी ज्यादा बनेंगे और यूरिया साइकिल जो है वो ज्यादा तेजी से रेगुलेट हो सकेगा। CPS1 का जो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है वो है N-acetylglutamate। N-acetylglutamate जो है वो N-acetyl CoA और ग्लूटामेट की कंडेंसेशन से बनता है, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको हम कहते हैं N-acetylglutamate सिंथेटेज 1 एंजाइम। इसके अलावा ये भी है कि जो L-arginine है वो N-acetylglutamate सिंथेटेज एंजाइम उसका पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है, यानी हमारे पास जितने ज्यादा अमाइनो एसिड्स होंगे उतने ज्यादा N-acetylglutamate की पॉजिटिव मॉड्यूलेशन होगी और वो फर्दर N-acetylglutamate बनाएगा और वो आगे CPS1 को मॉड्यूलेट करेगा और इस तरह से यूरिया साइकिल ज्यादा तेजी से रेगुलेट हो सकता है। उसके बाद जो है यूरिया साइकिल एक फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन है, इसके अंदर सब्सट्रेट अवेलेबिलिटी हमारे पास N-acetyl CoA अमाइनो एसिड्स ग्लूटामेट वगैरह इनकी कंसंट्रेशन हमारे पास जितने ज्यादा होगी उतना तेजी से ये हमारे पास ये रिएक्शन वर्क कर सकेगा। उसके बाद यूरिया साइकिल के फंक्शंस हैं। यूरिया साइकिल मेनली जो है वो हमारे पास जो अमोनिया होता है जो एक टॉक्सिक फॉर्म है नाइट्रोजन की उसको कन्वर्ट करता है यूरिया में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमोनिया अगर हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक स्टोर रहेगा या यूरिया ज्यादा देर तक हमारी बॉडी में स्टोर रह जाएगा तो इस तरह से वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होगा, इसलिए उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए वेस्टेड नाइट्रोजन को हमें यूरिया साइकिल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट इज इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल के जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं इसके अंदर जो फर्स्ट टू डिसऑर्डर्स होते हैं हाइपरअमोनीमिया टाइप 1 एंड हाइपरअमोनीमिया टाइप 2, ये जो है ये बहुत सीवियर होते हैं क्योंकि इनके अंदर अमोनिया की एक्युमुलेशन हो रही होती है, लेकिन जो बाकी स्टेप्स के अंदर डिजीजेस या एंजाइम की रिएक्शंस की वजह से डिजीजेस होते हैं वो इतने सीवियर नहीं होते क्योंकि उसके अंदर अमोनिया की एक्युमुलेशन नहीं हो रही होती, उसके अंदर जो वेरियस इंटरमीडिएट्स होते हैं आगे यूरिया साइकिल के उनकी एक्युमुलेशन हो रही होती है। यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स के जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं मेनली वो वॉमिटिंग है, इरेटेबिलिटी है, लिथार्जी है और सीवियर मेंटल रिटार्डेशन है।
अब हमारे पास सबसे पहली जो डिसऑर्डर है वो है हाइपर एमोनीमिया टाइप 1 डिजीज. ये इंजाइम कार्बामोल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 इंजाइम उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है, और इसके अंदर जो है अमोनिया ब्लड में ज्यादा हो जाता है और ये मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है. उसके बाद है हाइपर एमोनीमिया टाइप 2 डिजीज. ये ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. इसके अंदर भी ब्लड के अंदर अमोनिया की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है. और बाकी जो है सारे डिजीजेस इनहेरिटेड सारे ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, लेकिन ये वाहिद हाइपर एमोनीमिया टाइप 2 डिजीज है जो कि एक्स लिंक्ड है. इसके अलावा जो है इसके अंदर कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है वो पाइरिमिडिन सिंथेसिस करता है और उससे ऑरिटिक एसिड बनता है. और जब ये ऑरिटिक एसिड हमारे यूरिन में एक्सक्रीट होना स्टार्ट करेगा तो उसको हम ऑरिटिक एसिडा यूरिया कहते हैं. उसके बाद हमारे पास जो थर्ड डिजीज है वो है सिट्रोलिनीमिया. सिट्रोलिनीमिया जो है आर्जिनिन और सक्सिनेट की डेफिशिएंसी से होती है, और इसके अंदर जो है ब्लड के अंदर अमोनिया और सिट्रोलिन के हाई लेवल्स की वजह से जो है ये डिजीज होती है. ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है. और अगर सिट्रोलिन हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा और वो यूरिन में एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देगा तो उसको हम कहते हैं सिट्रोलिन यूरिया. नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज है वो है आर्जिनो सक्सिनिक एसिडायूरिया. ये आर्जिनो सक्सिनेट लाइस की कमी की वजह से होती है, और इसके अंदर आर्जिनो सक्सिनेट जो है वो ब्लड और यूरिन में ज्यादा हो जाता है. और आगे है आर्जिनिनीमिया. आर्जिनिनीमिया आर्जिनेस की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और इसके अंदर जो आर्जिनिन की एक्यूमुलेशन है वो ब्लड में और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ज्यादा हो जाती है. इसके अलावा एक और डिजीज भी है जिसको हम कहते हैं हाइपर ऑर्निथिनीमिया. ये जो होती है ये ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो होता है यूरिया साइकिल के उसके वो डिफेक्टिव होता है, इस वजह से ये डिजीज होती है. और ऑर्निथिन जो है फिर वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकेगा, तो इस वजह से यूरिया जो है वो ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा इस डिजीज की वजह से. नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स यूरिया साइकिल के. यूरिया जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमोनिया हम स्टोर नहीं कर सकते तो हमें यूरिया में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है. यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसके अंदर जो पेशेंट्स होते हैं उनके मतलब प्रोटीन कैटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होती है, उनको इनएडिक्वेट एनर्जी उनके बॉडी में होती है. अब जो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट हम उनकी करते हैं उसमें हम उनको ऐसी डाइट देते हैं जिसके अंदर डाइट्री प्रोटीन जो है उनकी क्वांटिटी बहुत लो हो, प्रोटीन फ्री एनर्जी डाइट दें, और उसके अलावा अमीनो एसिड और विटामिन्स वगैरह दें, और नाइट्रोजन स्कैवेंजिंग ड्रग्स दें, मतलब जो ऐसे ड्रग्स जो कि वेस्टेड नाइट्रोजन जितना भी है उसको अपने तरफ खींच लें और उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा सकें. अब रिसर्चेस के थ्रू ये कहा गया कि विटामिन ई जो है वो भी हमारे यूरिया साइकिल के जो इंजाइम्स हैं उस पर अफेक्टिव होता है. जो सिर्फ पहले दो इंजाइम है विटामिन ई सिर्फ उनको अफेक्ट करता है, बाकी के जो तीन इंजाइम है उनको विटामिन ई अफेक्ट नहीं करता. तो जिस विटामिन ई अगर हमारी बॉडी में ज्यादा होगा तो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज और ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज इनकी भी एक्टिविटी ज्यादा होगी, और इस तरह से यूरिया साइकिल जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से रेगुलेट हो सकेगा और ज्यादा बेहतर तरीके से वो अपना काम कर सकेगा. थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड.